वेलकम बैक टू माय चैनल फूड रिलेटेड विद अंकिता। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक मिक्स वेज की रेसिपी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। तो चलिए देख लेते हैं इसे आप घर पे कितने आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फ्राइंग पैन गर्म होने के लिए रखा है। जब फ्राइंग पैन अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी कटा हुआ पनीर। मैंने पहले से ही पनीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब इसे हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे, बहुत ज्यादा हमें फ्राई नहीं करना है। हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई करते रहना है। ये जो हमारा पनीर है वो एकदम फ्राई हो चुका है, अब मैं इसे निकाल लूंगी। जो मैंने पनीर को निकाल लिया है, अभी हम सेम तेल में डाल देंगे 1/2 टीस्पून साबुत जीरा। जीरे को अच्छे से गर्म होने देंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ प्याज। मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज का प्याज काट के लिया है। प्याज को भी हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। जब प्याज अच्छे से फ्राई हो जाए उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे भी हमें अच्छे से भून लेना है। हमने इसे अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी फ्रेश टमेटो प्यूरी। मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज का टमेटो लिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और हाई फ्लेम में कुछ देर चला लेते हैं। इसे हाई फ्लेम में कुछ देर चलाने के बाद हमें इसे फ्लेम को एकदम लो कर देना है और इसे ढक के कम से कम 10 मिनट तक इसे पका लेना है। हमने इसे करीब 10 मिनट तक पका लिया है। थोड़ा सा फिर से इसे चला लेते हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी 2 टेबलस्पून काजू पेस्ट। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी नमक स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर और डालूंगी थोड़ा सा पानी। इन सबको अभी अच्छे से मिक्स कर लेना है और अच्छे से हमें फ्राई कर लेना है। ये जब अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, ताकि इसका जो कलर है वो बहुत अच्छा आए। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसे भी हम हाई फ्लेम में थोड़ी देर तक भून लेंगे। थोड़ी देर बाद हम इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून दही। मैंने दही को अच्छे से फेंट लिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें डाल दूंगी कटा हुआ गाजर, हरी बीन्स और कटा हुआ फूलगोभी। को भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मैं इसमें थोड़ा पानी डाल दे रही हूं। मसालों के साथ सब्जियों को अच्छे से मिला लेंगे। जी हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है।
अब मैं इसे लो फ्लेम करके 15 मिनट तक इसको ढक के पका लूंगी, ताकि हमारा जो सब्जी है वो ऑलमोस्ट पक जाए। जी, मैंने 15 मिनट तक इसे ढक के पका लिया अच्छे से। जो हमारा सब्जी है वो लगभग पक चुका है। अब इसमें डाल देंगे फ्राई किया हुआ पनीर, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा पानी और इसे अभी हमें अच्छे से उबाल आने तक वेट करना है, ताकि हमारा जो सब्जी है वो पूरी तरीके से पक जाए। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा शक्कर और डालूंगी थोड़ा कसूरी मेथी और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। अब डाल दूंगी कटा हुआ धनिया। हमारा जो मिक्स वेज है वो एकदम तैयार हो चुका है। ये सब्जी भी हमारा बहुत अच्छे से पक गया है। अब हम फ्लेम को बंद करेंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। तो लीजिए, बनके तैयार हो चुका है हमारा मिक्स वेज रेसिपी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। तो आप भी इसे घर पे जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट में लिख के बताइए कि कैसा बना है। आई होप मेरा ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आया होगा। आप इसे रोटी पराठा के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए न्यू अपडेट्स के लिए।